शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बड़े बड़े महात्माओं ने कहा है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। इस मामले में या तो वो अनजान थे या फिर मासूम, क्योंकि आज भी इस देश के कई इलाके एक विभत्स खूनी संघर्ष में उलझे हुए हैं। उनमें से एक जगह है आनंदपुर और हिंसा का ये रक्त चक्र। आनंदपुर के इस रक्त रंजित संघर्ष में इतने लोग मरे हैं कि उन महात्माओं के भारत की आत्मा अब यहां बस नहीं, भटक रही है। आनंदपुर का ये चरित्र रक्त चरित्र है। नरसिम्हा देवा रेड्डी आनंदपुर कस्बे के दबंग बाहुबली एमएलए, नरसिम्हा का एक बहुत ही वफादार आदमी वीरभद्र, जो निचली का होने के बावजूद अपने काम और लगन से नरसिम्हा का इतना करीबी बन चुका था कि नरसिम्हा अपने सारे काम वीरभद्र के हाथ में दे उसकी सलाह पे पूरी तरह निर्भर हो गए। ये देखकर नरसिम्हा की बिरादरी, खासकर नागमणि रेड्डी, इलाके में वीरभद्र की बढ़ती ताकत से बहुत जलने लगा। वो वीरभद्र का सूपड़ा साफ करने के लिए घात लगाए बैठा था। तो वहीं दूसरी तरफ तेज तर्रार आदर्शवादी वीरभद्र ने दबे कुचले शोषित समाज और निचली का नेता बन के आने वाले जिला परिषद चुनाव की तैयारी में कमर कस ली थी। नरसिम्हा रेड्डी के आशीर्वाद से इस जिला परिषद में जितनी भी सीटें हैं उन सब पर एक एक करके हम खुद बैठेंगे। अब हमारे लोगों को हर रोज कम से कम 8 घंटे काम, पीने का साफ पानी, बच्चों के लिए शिक्षा और उनके आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। रेड्डी साहब ने हमारी मेहनत और वफादारी को ध्यान में रखकर, हम पर भरोसा करके हमें इतना बड़ा मौका दिया है, तो हमें भी पहले से कहीं ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी और हम करके दिखाएंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोगों की मदद से हम नरसिम्हा रेड्डी के
हर सपने हर सोच को पूरा करके दिखाएंगे। रेड्डी साहब, अपने लोगों में गुस्सा है वीरभद्र, जिला परिषद की कई सीटें बांट रहा है अपने जात वालों को। क्या मतलब अपने लोगों को? हमारे इलाके में तो कई लोग वीरभद्र के जात वाले भी हैं। हमें सभी जात वालों का ख्याल रखना होगा। वीरभद्र ठीक ही कर रहा है। कर रहा नहीं है, सिर्फ कह रहा है। मतलब? आपका इस्तेमाल कर रहा है वो, आपकी ताकत को अपनी ताकत बना रहा है। आप यहां बैठे हैं, बाहर वो दावा करता फिर रहा, असल लीडर वो है। दो तरफा नुकसान है आपका। कैसे? अपने लोगों की नजर में आप गिर रहे हैं और दूसरी जातियों में जहां आपको बढ़त मिलनी थी उससे मिल रही है। आपके दादाजी ने एक बार बोली थी, खून खून इस सड़क पे बरसे काल सर्प लहराए, नाक उठाए आग बिछे सब पथ पर फन फैलाए, तो खींच खींच के फाड़ दे जबड़ों को फिर ना कभी डस पाए, संबंध सरमति तन मन चिता की भस्मरम, सर्व शत्रु नाम विभ त्वम रक्तम रक्त अर्थ तद संभव, धर्म धर्म हस्त शस्त्र दंड द्रोह क्लेश रक्त, धर्म धर्म हस्त शस्त्र दंड द्रोह क्लेश रक्त। भाभी, अरे वाह, ईद का चांद आया है भाई। भाभी, ऐसी कोई बात ही नहीं है, आप तो जानते हैं जब से इनका इलेक्शन का हुआ है जरा भी फुर्सत नहीं मिलती। कितने लोगों की चाय बनानी पड़ती है, रोज दो जाते तो चार आ जाते हैं। होता है। लागू भाभी। ओ हो वीरभद्र, तुम्हारी तो बहुत शिकायत सुनने को मिल रही है भाई। भाभी, शादी के बाद तारीफ भी शिकायत ही लगती है। बस बस बातें मत बनाओ, बहुत दिनों के बाद तुम पकड़ में आए हो, बैठो मैं जरा कॉफी बना रही हूँ तुम्हारे लिए। नरसिम्हा जी आपको बुला रहे हैं। मैं अभी आया। भाभी, आज मैं रसम बनाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, अचानक इन सब लोगों की सीटें कैंसिल क्यों कर दी गईं? जरूरी है क्या जवाब देना? तुमसे बहस नहीं करनी, मैंने फैसला कर लिया है। लेकिन रेड्डी साहब, ये फैसला करने का हक तो खुद आपने मुझे दिया था। बहस मत करो। आप बेशक जवाब न दें, लेकिन मुझे तो अपने लोगों को जवाब देना ही पड़ेगा ना। तेरे लोग कब से हो गए रे? तेरे बाप दादा है क्या तू? मैंने जबान दी है उन्हें। किससे पूछ कर दिया तुमने? रेड्डी साहब, सारी जिंदगी इतनी मेहनत, आपके लिए इतना काम करने के बाद ये सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? एहसान किया क्या काम करके? हाँ, उसके बदले में नरसिम्हा जी ने कितना कुछ किया तेरे लिए। मैं सब समझ रहा हूँ नागमणि, सब समझ रहा हूँ मैं। रेड्डी साहब, बहुत सह लिया मैंने, अब आगे चलकर मैं इस बात को धमकी देता है नरसिम्हा जी को। मुंह क्या बना रहा है? नीचे करांक, नीचे करांक। चलो यहाँ से।
बहुत राय से। नाम मत लो सरामजादे का, मेरे पीठ पीछे क्या क्या कर रहा था। ये समाज किसी साले की बपौती नहीं है। ऊंच जात नीच ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक इंसान की लड़ाई है जो वो दूसरे इंसान से लड़ता है। कौन सी किताब, कौन से वेद में लिखा है कि तुम उनकी चाकरी, उनकी जी हुजूरी करने के लिए पैदा हुए हो? और अगर लिखा है तो फाड़ दो उस किताब को, काट दो उस जुबान को जो तुम्हें नीच कहती है, फोड़ दो उस आंख को जो तुम्हारे अंदर के इंसान को नहीं देख पाती। आज तक किसी का दम नहीं था कि जो भी करे, और ये जो कल तक आपके थल में चाटता था अब सरे हम श्राप देता फिर रहा है। कौन क्या है ये दिखाने का मौका सिर्फ एक ही बार आता है, और वो मौका मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है। आपके लोगों को आप ही के खिलाफ कर दिया। नरसिम्हा जी दूध पिलाया आपने और आपको खाटने निकला। जिस हसीये से तुम्हारे पुरखे इन सालों की जमीन को चीर कर फसल उगाते थे, उसी हसीये, उसी कटार को इनके रक्त से लाल करने का वक्त आ गया है। अब हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। साला जब पेड़ की सियाख जट से ही लड़ाई करने लगे, इंद्रहराय त्रिलोचनाय भस्मानगराय नागेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमो शिवाय नमो शिवाय। दुर्गा वो मंदा है ना? कौन मंदा? वीरभद्र का दाया हाथ कैलाश जनरल स्टोर्स के पीछे, वो शिवजी का मंदिर है ना, उसके बगल में घर है उसका। मारना होता तो अब तक मार दिया होता। नागमणि साहब को बात करनी है तुझसे, तेरा पति वापस भेज देंगे अगर इसके आने तक ये बात किसी और को बोली तो घर सिर्फ इसका सारा आएगा। दो चॉइस है तेरे पास, हमारे साथ मिल और वीरभद्र को मार, या तो मना कर और अभी मर। एक मंदा, वीरभद्र को मारने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, लेकिन वीरभद्र को मरने में तुम्हारी जरूरत है। वीरभद्र को हमने मारा तो उसके सब वोटर्स सपोर्टर्स चुनाव में हमारे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन तू उसका वफादार, तू मारा तो लोग सोचेंगे, शक करेंगे कि कुछ गड़बड़ है। वैसे भी उसके साथ रह के क्या मिलेगा तुझे? आज तो उसका नौकर, उसके बाद उनके बेटे शंकर और प्रताप का नौकर, लेकिन अगर उसको हटा दिया सकता है। रावण के मरने के बाद लंका की गद्दी राम को नहीं विभीषण को मिली ना।
दिखा रहे रास्ते में भाई साहब। लगता है किसी की शरारत है। तुझे मारने के लिए जरूरत पड़ी तो उन सबको भी मार देंगे। बाहर निकला नहीं तो बम से उड़ा देंगे सबको। एक औरत की तरह उनमें छुप के तेरे साथ उन लोगों को भी मरवाएगा या एक मर्द की तरह बाहर आके अकेला मरेगा। सोच ले तू। आप कहीं नहीं जा रहे। मुझे छोड़। वो लोग आपको मार देंगे। आप लोग घबराइए मत। आप लोगों को कुछ नहीं होगा। इतने लोगों की जिंदगी का सवाल है। अरे मुझे अरे कौन है सामने आके बात करो। बंदा साले। अरे मंदा क्या हो गया तुझे? क्यों कर रहा है इसे? भाभी चोर है ये। भाभी ये धूल झोंक रहा था सबकी आंखों में। क्या लगा था आपको पता नहीं चलेगा? सबको सबको लूटा तूने। आज उन सबकी तरफ से सबक सिखाने आया मैं। किसकी तरफ से? क्या बोल रहा है? सबकी तरफ से। क्या हो गया? क्या रहा है? अबे तेरे को मानता था मैं, इसलिए तेरे साथ था। आपको पता है जैसे सपोले को अपने साथ रखा उसकी तो सजा मिलेगी मुझे। मार 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 चला मंदा। मार देखना क्या साले। मार मंदा गोली मार। मंदा गोली चला तू। नागमणि के साथ हुआ सौदा याद है ना? तू इसे मारता हुआ सबको दिखाई देना चीजा। काम मत बिगाड़ मंदा। जा जल्दी जाओ। सब लोग देख रहे हैं। जा तेरा सौदा कैंसिल हो जाएगा नहीं तो। जा सब देख रहे। जा घुस के बैठ जाए तो कोई भी क्या कर सकता है। पता है किसने मारा है? 100 लोगों के सामने मारा मंदा ने तेरे बाप को। मंदा ने सबके सामने मारा है पापा को। मगर मंदा के पीछे कौन था? ये साला नरसिम्हा रेड्डी, नागमणि रेड्डी, इन सब ने। सिर्फ मंदा ने नहीं मारा है, जिन लोगों को सर पे बैठा के रखा था उन्होंने। वीरभद्र मरा नहीं है अभी, उसका खून जिंदा है। खून बहाना है ना इन्हें? बहाऊंगा और तब तक बहता रहेगा जब तक ये जमीन इनके रक्त से लाल नहीं हो जाती। जो उठेगा
बचेगा, धड़ से कटेगा, कहाँ पे चिपेगा, कहाँ पे बचेगा। बात बात पर है घात, मौत की भी जीव साथ। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मरेगा। जाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये जलजला है, पूरे जोर पर चला है, किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित चरित रक्त 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 चरित सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। नाच नाच सारी रात, क्या पता मैं कल दूं का पीट पीट ढोल पीट हाथ पांव मार ठेट। ओ नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच रात सारी, मौत का हूँ मैं मदारी, बाज डमरू सी कटारी। डम 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 नाच मौत का। रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। डम 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 नाचे मौत। डम 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 डम। आनंदपुर, ये कैसी जगह है तुम्हारा आनंदपुर? रहने के लिए अच्छी जगह है, ना रहने के लिए और भी अच्छी जगह है। मतलब यहाँ शहर में रहोगे? जी। और पापा का नाम क्या है? वीरभद्र। ब्राह्मण हो? जी नहीं। भगवान में विश्वास करते हो? पहले खुद में पैर नहीं छू सकते थे। किसके? हाँ पैर, इंप्रेस हो जाते पापा। नंदिनी, मैं कभी वो काम नहीं करता जिसमें मेरा मन नहीं। मन नहीं मतलब? क्या जरूरत है ये सब की? शादी तुमसे कर रहा हूँ, तुम्हारे पापा से नहीं। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पैर छूने में कोई एतराज नहीं मुझे। मार खाइए कभी। और क्या बोले तुम? पहले मैं खुद में विश्वास करता हूँ, फिर भगवान में। अरे भगवान हर चीज में होते हैं, तुम में है, मुझ में है, मेरे पापा में भी है। एक छोटा झूठ बोल देते क्या जाता तुम्हारा? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ मत बोलो। ए, चेरी कहाँ है इसमें? आज तो मुझे पहली बार मिले होते ना, तुमसे बात तो क्या देखती भी नहीं मैं तुम्हें। क्यों तुम इतने टेढ़े हो? नंदिनी, सीधे लोग हमेशा टेढ़े दिखते हैं। शट अप, तुमसे बात करना बेकार है। कभी ना खत्म होने वाले सफर पे निकल रहा है। नागमणि रेड्डी और नरसिम्हा देवा रेड्डी की भारी सुरक्षा के मद्देनजर प्रताप का भाई शंकर जंगल में छिपके नागमणि और नरसिम्हा रेड्डी के सपोर्टर्स पे लगातार हमले करने लगा। प्रतिशोध भी और जज्बे में मिलावट है, प्रतिशोध भी। ये आज की महाभारत है, यहाँ सिर्फ रक्त चरित है। नतीजे से अब रक्त चरित्र में एक ऐसा किरदार आया जो राजनीति नहीं रक्त नीति का राक्षस था।
नागमणि रेड्डी का बेटा बुक्का रेड्डी। को 20वीं सदी से किसी अंधे युग में ढकेल रखा था और अब वो शंकर के भाई प्रताप के आने की खबर सुन अपने बिल से बाहर निकला। ठहरो, किधर जा रहा है? सुना है वो शंकर का भाई प्रताप रवि आया हुआ है। चुनाव तक यहाँ के कई बंदूक उठा रहे थे। किसान खेतों में हल चलाना छोड़ बम बना रहे थे। आनंदपुर के ऐसे माहौल में प्रताप रवि ने अब कदम रखा। दुर्गा है, उन्हीं में से एक है जिन्होंने पापा को मारा था। बाकी भी मिलेंगे। बस पुलिस क्या कर रही है? पुलिस की वजह से तो यहां तक पहुंचे हैं। छोड़, तू इस समय मत पढ़। तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। पापा भी यही चाहते थे ना। देख रवि, मेरी यह लड़ाई सिर्फ उन लोगों के खिलाफ नहीं है जिन्होंने पापा को मारा है। वो सारे लोग, सब जिनके लिए पापा लड़ रहे थे, उनकी जिम्मेदारी भी तो मुझ पर आ गई ना। और जब तक सबको इंसाफ नहीं मिलता, मैं रुकूंगा नहीं। माँ कैसी है? अपने पिता की दिल दहला देने वाली मौत से प्रताप की जिंदगी का बुलबुला पहले ही फूट चुका था। इस इलाके के कई लोगों की तरह प्रताप ने भी पहली बार उस जज्बे को समझा जिसके बारे में वो बचपन से सुनता आया था। ये खून खराबा नहीं, अपनी आत्मा, अपने वजूद की लड़ाई थी। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि इस वक्त प्रताप चक्रव्यूह के कितना बाहर था और कितना अंदर। शंकर कैसा है? वो ठीक तो है? तुम्हारी दोस्त कोई नंदिनी का फोन आया था। कोई किसी को बिना वजह इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? इस किस्म के लोग घर पे होके क्या हमारे? किसी के मुंह पे लिखा होता है क्या कि उसके पीछे ऐसे लोग होंगे? शुक्र करो तुम सही सलामत बैठे हो घर में। देखो नंदिनी, गलती सबसे होती है। तुम प्रताप को भूल जाओ। पापा, मैं प्रताप से प्यार करती हूँ और ये जो भी हुआ है उसके पीछे का सच जाने बिना मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। देखो, हेलो नंदिनी, प्रताप तुम कहाँ हो? प्रताप, तुम ठीक तो हो? ये क्या हुआ प्रताप? मेरे पापा को मार डाला नंदिनी। ऐसी मौत मिलेगी उन्हें, मैं
कभी सोच भी नहीं सकता था। और भाभी तो टूट सी गई और अब मेरे भैया के पीछे पुलिस पड़ी हुई है। शंकर मिल गया है। जिंदा? शंकर? कौन शंकर? मेरा भाई शंकर। तू कौन है? मेरा नाम प्रताप है। तो? क्या मतलब तू? मेरा भाई इधर है। इधर किधर है? इधर आपके थाने में। कौन बोला तेरे को? देखिए मुझे खबर मिली है, उसे आज ही पकड़ा है आपने। किधर है मेरा भाई? ए! आवाज नीचे नीचे, साले चेहरे का चटनी बना दूंगा। देखिए प्रताप ने कोई कानून नहीं तोड़ा, इस पे कोई क्रिमिनल केस भी नहीं है। कानून के मुताबिक आपको इन्हें इनके भाई से मिलने देना होगा। कौन है बेटू? वकील। इधर वकील, कानून सब मैं हूं। तो तुझे भाई से मिलना है। कर ले भारत मिलाप। हो गया भारत मिलाप। कानून के मुताबिक ही मार दिया। प्रताप के सिवा मेरा कोई नहीं है। दीदी दीदी हम यहाँ से चले जाएंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम यहाँ से शहर चले जाएंगे। मैं प्रताप को मनाऊंगी, वो मेरी बात जरूर मानेगा, मेरा बच्चा मेरी बात कभी नहीं डालेगा। रेड्डी साहब, रेड्डी साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ रेड्डी साहब, अगर मेरे बेटे के दिल में कोई ऐसी वैसी बात है तो वो निकाल देगा अपने दिल से। मैं आपको वचन देती हूँ। ऐसा कर रही है क्या? तेरे बेटे को बोल के? तेरे पति को? तेरे पति को दूध पिलाया हमें और वो हमें ही तेरा बेटा शंकर नरसिम्हा जी को मारने की तैयारी में था। चल बाहर निकल, उसको बाहर निकल। प्रताप, उनके पास पावर है, पुलिस है, सरकार भी उन्हीं की है, लेकिन कब तक छिपेंगे? हम भी देखते हैं। प्रताप, तुम्हारे पापा और तुम्हारा भाई हमारे अपने थे। उस साले तुम्हारे ही नहीं, इस आनंदपुर गांव के हजारों जनता के दुश्मन है। तुम बस यहां रुको,
डरना नहीं, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। उन सालों से तो बदला लेना हमारा काम है। नहीं, मेरा काम है। जज्बाती हो रहे हो तुम कि एक बार भी कभी बंदूक पकड़ी है तुमने? नहीं, बंदूक नहीं चाहिए, यही कटार को सहूंगा उन तीनों में। तुम्हारे जज्बात समझता हूं मैं, लेकिन प्रताप इतना आसान नहीं है ये। तुम ये काम हम पे छोड़ दो। बाप मेरा, भाई मेरा, मां मेरी, बदला भी मेरा होगा। हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे कि नरसिम्हा, नागमणि और मंदा तीनों को एक साथ एक टाइम पे मारेंगे। नहीं, एक साथ नहीं, अलग अलग, एक एक करके, और हर एक के बाद अगले को वक्त दूंगा ताकि उसे मौत का खौफ महसूस हो। मतलब मौत तो मुक्ति होगी उनके लिए, इतनी आसानी से छुटकारा नहीं दूंगा। नागमणि ने प्लान बनाया, मंदा ने किया, और नरसिम्हा रेड्डी ने ऑर्डर दिया, तीनों को मारूंगा। और वो गोमती, नरसिम्हा रेड्डी की बीवी, जिसे मेरी मां अपनी बहन मानती थी, उसके सामने बेइज्जती की मेरी मां की, मेरी मां को थप्पड़ मारा, और वो चुपचाप घड़ी देखती रही। सबसे पहले मैं उसको रुलाऊंगा। जानती हूँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी। आंटी प्रताप कहाँ है? पता नहीं,
वो मैंने टीवी पे देखा कि नरसिम्हा देवा रेड्डी के खून में प्रताप को जिम्मेदार ठहरा है, क्या वो सच है आंटी? मैं चाहती हूँ कि ये सच हो। आंटी मैं प्रताप के बिना नहीं जी सकती। सोचती है तू औरत है, छोड़ देगा, गलत सोचती है। प्रताप किधर है? नहीं बताया, पीस पीस काटूंगा। छोड़ दे उसे, छोड़ दे उसे, वरना यही खोपड़ी खोल दूंगी तेरी। छोड़, मुझे माफ करना माँ, ये बुक का रेडी इतना गिर जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। रहने दो प्रताप, किसी को क्या पता था कि बुक का ऐसा करेगा। अरे लो ना माँ जी, थोड़ा सा थोड़ा सा। अब उधर बेटा, ना बेटा थोड़ा सा लेना पड़ेगा। बस 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 बेटा, मैं तो भूल ही गई, नंदिनी का फोन आया था। तुमने जो कुछ भी मेरे बारे में पढ़ा और सुना होगा सब सच है। मैंने नरसिम्हा रेड्डी को मारा है। आगे चलकर और भी कुछ लोग हैं जिन्हें मारूंगा, वजह है मेरे पास। मेरी जान खतरे में है और जो भी मेरे साथ रहने का फैसला करेगा उसकी जान भी खतरे में होगी। मुझ जैसे आदमी के साथ तुम्हें अपनी सारी जिंदगी बितानी है या नहीं, ये फैसला तुम्हें करना होगा। कर चुकी हूं। से पूछने नहीं, सिर्फ बताने आया हूं। आपकी बेटी को ले जा रहा हूं मैं। नंदिनी की देखभाल मैं आपसे बेहतर करूंगा।
आशीर्वाद देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बोले अरे प्रताप को पता मेरा इस्तेमाल हुआ है हाथ काट गया मेरे को मारेगा तो वो नरक में जाए बोल दिया साहब मंदा को मार दिया कौन प्रतापी होगा की छावनी बनी हुई है उसका घर ऐसी पुलिस प्रोडक्शन तो आज तक किसी को नहीं मिली बड़े बड़े अफसर रोज चाय पीने के लिए वहां आ रहे हैं काकी एक बात बोल दुनिया में आज तक कोई पुलिस किसी को बचा है क्या अरे सर सैकड़ों को बचाया है सैकड़ों को नक्सलाइट्स तुम लोगों को मच्छरों की तरह मार रहे हैं ऊपर से नेता लोग लात लात मारते रहते और नीचे से गुंडे गली से दिल्ली तक थपकी थपकी देते रहते शर्म नहीं आती क्या पहले खुद को बचा लो बाद में दूसरों को बचाना क्या मजाक कर रहे हैं सर एक दो छोटी छोटी बातों का आप लोग बतंगड़ बना देते हैं बुरा लगा छोड़ दो अच्छा तो रवि का क्या होगा पकड़ा जाएगा सर क्या पकड़ते कौन पकड़ते गजपतरा का भूत फिर मजाक कर रहे हैं सर सर अगर आप लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं है तो फिर हम लोगों की सिक्योरिटी क्यों लेते हैं आप hey! मेरा लाइफ तेरे डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है मेरा खुद का कंस है गुंडा है पैसा है और दिमाग भी है मैं पॉलिटिशियन हूं पब्लिक को दिखाने के लिए ये सब ड्रामा करना पड़ता है इसीलिए तुम्हें रखा है तुम पर भरोसे की वजह से जिसने बचाई कहता इतिहास गवाह बन के हो रक्त है सर्वत्र है पाप पुण्य की क्या परिभाषा क्रोध जाने प्रतिशोध की आशा आज के भारत की महाभारत में डूबा कुरुक्षेत्र Thank you.
पुलिस के बेस में मारा पापा को। जाओ। हाथ नहीं लगाना। पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे बॉडी, जाओ। हाथ मत लगाना। बॉडी ले जानी पड़ेगी, प्रोसीजर है, जाना। हाथ लगाने का नहीं। जो कुछ भी करना है वो इस बात को ध्यान में लेके करना है। अब देखो ना, तुम्हारे पहले एक ऑफिसर था, क्या नाम था उसका, गजपति राव, वो हमारे लिए कम और नागमणि रेड्डी के लिए ज्यादा काम करता था। तुम्हारे बाद में भी यही होगा, जस्ट बिकॉज यू आर अ ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर, एक दिन में तुम सब कुछ थोड़ा बदल दोगे। बिल्कुल सही बोले सर। अरे तुम कब आए? बस आज सुबह ही कुछ इन्फॉर्मेशन के सिलसिले में आया था, हैदराबाद वापस जा रहा हूँ, सोचा रास्ते में हेलो बोल दूं। ग्रेट, इनसे मिलो, अश्विनी सिन्हा, और ये है मोहन प्रसाद, इंटेलिजेंस ऑफिसर। हेलो अश्विनी जी। हाय। सुना है आपके बारे में? काफी कुछ आपके बारे में भी सुना है मैंने। प्लेजर मीटिंग यू। सेम हियर, थैंक यू। हैव? नहीं सर, आप खाइए। अरे खाओ यार, बहुत बढ़िया करना है। मुझे नहीं चाहिए, आप खाइए। अरे लो यार, बहुत मजा आएगा, लो लो। मुझे नहीं चाहिए सर, आप खाइए। आज सुबह एक पूरी गाड़ी जब्त की है विजयवाड़ा में, फुल ऑफ शुगर कैन, गो ऑन हैव इट। आप खाइए, मुझे नहीं यार, फ्रेश एंड जूसी, मुझे नहीं चाहिए, आप खाइए। व्हाट्स द इशू? टूथब्रश करने की भी जरूरत नहीं है, बिगेस्ट क्लेंजर। मुझे नहीं चाहिए। ओके, मिस्टर मोहन कानूंगो साहब के विचारों से सहमत है? नो, व्हाट आई मीन, जब तक सिस्टम बदलेगी तब तक बुक्का रेड्डी सब कुछ लूट के चला जाएगा और हम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बचाना और लूटना तो सिर्फ एक नजरिया है अश्विनी जी, जिसका फैसला अगर आप कानून पे छोड़ दें तो बेहतर होगा। पुलिस जज्बात से नहीं, किताब से चलती है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो ना ही किसी के साथ है और ना ही किसी के खिलाफ। ऑलराइट, आपके कहने का मतलब है कि पुलिस को बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना चाहिए, राइट? बिल्कुल, गांधी बाबू के तीन बंदरों की तरह, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। हमारा टाइम आने तक, और हमारा टाइम तो इलेक्शंस के बाद ही आएगा। फिल्म स्टार शिवाजी एक नई पार्टी शुरू किए हैं, बहुत बड़े बदलाव की हवा है इस बार, नतीजे देखकर ही खेल खेलना बेहतर होगा हमारे लिए। शिवाजी आनंदपुर में एक मीटिंग करने वाले हैं, डिड यू नो? अब देखना बुक्का क्या करेगा। बुक्का रेड्डी ने प्रताप रवि को मारने की बहुत कोशिश की, पर जंगल में छिपे प्रताप तक वो कभी पहुंच नहीं पाया। मेरा बाप का भूत भटक रहा है, इधर उधर चारों तरफ। इस दौरान चुनावों की घोषणा की गई,
अपनी पार्टी की गिरती लोकप्रियता, पिता नागमणि रेड्डी की मौत से लगा धक्का और प्रताप के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर बुक्का ने अपने भाई पुरु रेड्डी को चुनाव में खड़ा किया। खड़ा हो रहा है मेरा भाई, जीतना चाहिए जो भी खिलाफ खड़ा हो। टांग काट दो। अपनी यादगार भूमिकाओं से दिल जीत लेने वाले फिल्मों के नायक शिवाजी राव की सोच थी, अगर लोग उनकी फिल्में देखने के लिए लाइन लगाते हैं तो लाइन लगा के वोट क्यों नहीं देंगे, और वही जनता अगर उन्हें फिल्मों में नायक के किरदार में देखकर सिक्के उछालती है तो फूल उछाल के जननायक क्यों नहीं बनाएगी। इसी सोच के साथ शिवाजी ने राज्य के चप्पे चप्पे में मीटिंग शुरू की और उसी दौरान वो आए आनंदपुर। पर उन्हें ये पता नहीं था कि यहां सिर्फ बुक्का का सिक्का चलता है। सौ गुंडों को सिल्वर स्क्रीन पे अकेले पीटने वाले सुपरस्टार शिवाजी को बुक्का ने आनंदपुर से भगा दिया। इससे शिवाजी के अहम को चोट पहुंची। उन्होंने अपने सलाहकार राममूर्ति से सवाल किया, इस हमले के पीछे कौन है? बुक्का रेड्डी हमारे अपोजिशन में जो लड़ रहा है उसका भाई है। वो यहाँ के लोग बोलते हैं कि बुक्का एक राक्षस है, यहाँ तक बोलते हैं कि अगर उसे सांप काटे तो सांप भी मर जाएगा। फिल्मी डायलॉग मत बोल राममूर्ति, ये डायलॉग बोलना मेरा काम है। डेमोक्रेसी में बुक्का जैसा राक्षस कैसे हो सकता है? कैसे के सवाल का क्या सवाल है सर, है तो है। तुम्हारा मतलब ये कि इस पूरे इलाके में कोई भी ऐसा माइका लाल नहीं बुक्का जैसे राक्षस का मुकाबला कर सके? है बाप वीरभद्र, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। भाई शंकर, हर पल खून बहेगा यहाँ। दोनों का कत्ल हुआ और बदले में निकला प्रताप। प्रताप काम शिवाजी, सुना है तेरे बारे में बहुत, उम्मीद है उसमें से कुछ तो सच होगा। मुझे पता नहीं आपने क्या सुना है। क्या नाम बताया रे इसका?
प्रताप। प्रताप, आई लाइक यू। तुम अच्छा काम करने वाला एक बुरा इंसान है। तुम्हारा गुड भी अच्छा, बैड भी अच्छा, लेकिन क्या है, तुम बहुत छोटा आदमी है। इतना बड़ा होने के बाद भी मैं और ये डेमोक्रेसी बुक्का जैसे लुच्चा और इस मक्खी का पर भी नहीं काट सकता। हाथी अगर चींटी के ऊपर पैर रख दे तो चींटी मरता नहीं, उसे मसलना पड़ता है। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, तुम्हारे होने के बावजूद आज भी बुक्का है ब्रदर, सिर्फ क्रांतिकारी तरीकों से। सैकड़ों साल में किसी ने किसी का क्या उखाड़ लिया। अगर तुम रक्त नीति छोड़कर राजनीति में आए तो मैं तुम्हें कुर्सी पे नहीं, कानून के सर पे बिठा दूंगा। लेके उस पार न जाएगी जुदा राह कोई, भीड़ के साथ ही दलदल में उतरना होगा। तुम आदमी समझदार दिखता है, दिमाग वाला है, दिमाग का इस्तेमाल कर बाबा, लेकिन जल्दी टॉपिक इस ओवर। उसका भरोसा कैसे कर सकते हैं? क्या सोच रहे हो? प्रताप, बुक्का कैसा आदमी है हमें तो पहले से ही मालूम, लेकिन इसका किस्सा सुनने के बाद मुझे तो साले को क्या हुआ? ए बाबू, बोलना। मेरा नाम बाबू कादरी है, मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। मोटर वायरिंग के सिलसिले में मैं दूसरे शहर गया था। मेरी एक 16 साल की छोटी बहन, और जब तक मुझे खबर मिली मैं वापस आया। मेरी बहन का रेप करके बुक्का ने उसको सड़क पे फेंक दिया था। अपनी बहन को लेकर के थाने गया, पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। बोला कि क्या गारंटी है कि मेरी बहन का रेप हुआ है? गारंटी है कि वो सच बोल रही है? इस लालच से उसने अपने आप को आग में लगा लिया। उसको लेकर हॉस्पिटल भागा, लेकिन रास्ते में ही वो मर। बहन की लाश को देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। बुक्का के लिए काम करते हैं तुम लोग साला, सब जानता है। बुक्का साला क्या कैसा आदमी है, गांव जानता है कि मेरे बहन का साला बुक्का के हाथ में उठा के रह गया। और बुक्का बड़ुए को मैं मारूंगा, देख ले रहा। और पुलिस बता नहीं लगा कुछ नहीं। Thank you.
इस बुक्का साले ने तुम्हारे जैसे कई गरीबों पर अत्याचार किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिलहाल तुम उसके बारे में भूल जाओ। तुम पर तुम्हारी बीवी की, मां की, परिवार वालों की जिम्मेदारियां हैं। एक पल के लिए भी मत सोचना कि तुम अकेले हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं वादा करता हूं तुम्हें बदला मिलेगा। जाओ, जाकर अपने घर वालों को संभालो और अभी के लिए बुक्का रेड्डी को भूल जाओ। नरसिम्हा रेड्डी को मारा तो नागमणि था, उसे उड़ाया तो अब ये पुक्का है। कल उसे मारूंगा तो परसों कोई और पैदा हो जाएगा। इस प्रॉब्लम की जड़ एक सिस्टम है, और अगर ये सिस्टम बदलना है तो मुझे खुद सिस्टम बनना पड़ेगा। शिवाजी साहब की सोच बहुत सही है, बंदूक की ताकत से कहीं बड़ी राजनीतिक ताकत है, और अगर वो ताकत मेरे हाथ में आई तो जो हाथ हमें आज रोक रहे हैं कल हमें सलाम करेंगे। पापा और भैया का सपना मैं पूरा करूंगा, और शिवाजी वो सीढ़ी है जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा सकती है। मुझे बस एक नई शुरुआत की जरूरत है। आज से यूं छुप छुप के पीछे से वार करना बंद, अब मैं सामने से लड़ूंगा। धर्म अस्त्र शस्त्र दंड द्रोह क्लेश रक्त कर्म धर्म अस्त्र शस्त्र दंड नागेन्द्र हराय त्रिलोचनाय भस्मानगराय महेश्वराय मित्राय शुद्राय दिगंबराय तस्मै वकाराय नमो शिवाय तस्मै वकाराय नमो शिवाय। इन्हीं से निपटने वाले कामों के लिए मैं तुझको पॉलिटिक्स में लेकर आया, और तुम उन्हीं को हमारे सामने फेंक रहे। उन कामों के लिए मैंने अलग से रखे हैं, ये तो सिर्फ दिखावे के लिए। वाह 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 वाह, दिमाग का इस्तेमाल। आज से तुम्हारा प्रमोशन किया ब्रदर, आज से यू आर माय सन। अब क्या? ओ, तेरे को राममूर्ति बताएगा, तुम्हारा खासम खास आदमी है, तुम्हारा भी खासम खास बन कर रहेगा। तो अब क्या करना है? सबसे पहले दाढ़ी कटवा लो, क्योंकि मन में सफाई होना हो एक नेता का शक्ल क्लीन होना चाहिए। टॉपिक इज ओवर। रक्त वस्त्र रक्त शस्त्र रक्त मित्र रक्त चरित्र। प्रताप को टिकट मिल गया है, साला इलेक्शन में खड़ा हो रहा है वो, जीतना नहीं चाहिए, उसको हराने का। अगर वो जीता तो उसको नहीं, सालों में तुम सबको मारेगा, तुम सबको समझा, तुम सबको मारेगा मैं। मेरे जंगल छोड़कर खुलेआम शहर जाने पर हमारे दुश्मन आसानी से अटैक कर सकते हैं। गोली कभी भी किधर भी कहीं से भी चल सकती है। याद रखो कि सिर्फ बुक्का ही नहीं बल्कि उसके साथ जुड़े हुए कई लोग हमारे दुश्मन हो सकते हैं।
मुझे खबर मिली है कि हाल ही में उसका भाई पुरु रेड्डी मैंगलोर गया था कुछ लोगों से मिलने। अपने कुछ जातवानों से मिलकर नागमणि और नरसिम्हा रेड्डी के कुछ परिवार वाले और सपोर्टर्स हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हमें 24 घंटे चौकन्ने रहना होगा। इससे पहले कि कोई वार हो, हमें हर खतरे को काट देना चाहिए। हमारे सारे दुश्मनों की एक लिस्ट बनाओ और फिर हमारे हर दुश्मन और हर होने वाले दुश्मन को एक एक करके उस लिस्ट से मिटा दो। हरे हरे राम, हरे हरे कृष्ण, हरे हरे राम, हरे हरे कृष्ण, हरे हरे राम, हरे हरे कृष्ण, हरे हरे राम, हरे 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 हरे। मार दे जो भी तुझसे टकराएगा, मार दे। जैसे ही प्रताप शिवाजी के साथ उतर पड़ा चुनावी दलदल में, उसके दाहिने और बाहिने हाथ एके और ओमकार कई एक्शन टीम बना के अपने शक और समझ से चुन चुन के उसके दुश्मनों को ठिकाने लगाने लगे। इस बुलेट और बैलेट की जंग में प्रताप रवि बहुत तेजी से इस इलाके की पूरी राजनीति को अपने कब्जे में लेने लगा, जिसके बदले में बुक्का ने रवि के बहुत से लोगों को अलग अलग जगहों पे मौत का अमृत पिला पिला के मारा। मार दे जो भी तुझसे टकराएगा, मार दे। उधर प्रताप ने अपना पूरा ध्यान वोटरों का दिल जीतने में लगा कि प्रजातंत्र की बंजर जमीन पे वोटों की बारिश करवा ली और शिवाजी की पार्टी के साथ बहुत जोर से जीता। जिससे शिवाजी ने प्रताप रवि को मिनिस्टर बना दिया। भाई पुरु की करारी हार से बुक्का एक बच्चे की तरह रोने लगा और उसके ऊपर कई मर्डर केसेस की वजह से इंस्पेक्टर अश्विनी उसे अरेस्ट करने आई। यू आर अंडर अरेस्ट बुक्का, चल। मैं तुमसे कह रही हूं बुक्का, उठ। उसके पास मिनिस्टर है, वो सरकार उसकी मुट्ठी में है। जंगल में जो उसके साथी हैं खूंखार लोग हैं, शहर के सारे गुंडे उसके नाम से कांपते हैं। इन हालात में तेरे लिए यही बेहतर है कि तू यहां अंदर ही रहे। तू अपने बाप का पैदा हुआ है कि नहीं? अपने बाप का बेटा है कि नहीं? तू उस हरामजादे ने हमारे बाप को मारा। हर दिन उसका पेपर में फोटो देख के, टीवी पे देख के खून जलता है मेरा, रक्त उबलता है मेरा, मेरा रक्त खौलता है, मेरा रक्त।
निकलवाएगा तो मैं खुद को मार डालेगा। बुक्का ने अपने भाई पुरु के चेहरे पे नहीं, उसकी आत्मा पे थूका था। वो चला मिलने सरजी से, जो शिवाजी की ऑपोजिशन पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। सरजी की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि सरजी लोगों को सच का वही रूप दिखाते जो लोग देखना चाहते थे। उनकी आकाशवाणी जैसी आवाज ही उनकी पहचान थी, जिससे भीख मांगने की बारी अब गुरु रेड्डी की थी। लेकिन सरजी कभी किसी को भीख भी मुफ्त में नहीं देते। सरजी से मिलना है। नायडू साहब, मैं बुक्का पापा, हम सब आपकी पार्टी के हैं। अरे आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बहुत सारे जजों को जानते हैं आप। आप कुछ भी करके मेरे छोटे भाई बुक्का की बेल करा दीजिए बस। आप कुछ भी कीजिए। थैंक यू। मेरे छोटे भाई बुक्का, मेरे छोटे भाई की बेल करा दीजिए प्लीज नायडू साहब। क्या तो भी करते हैं, जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। कितने साल से आनंदपुर की सीट हमारे पास थी, उन्हें प्रताप की वजह से निकल गई। सर, बुक्का ही एक आदमी है जिसके पास प्रताप को मारने का पर्सनल कारण है। उसके जज्बात से निशाना लगाया तो गोली भी सही लगेगी। तो खड़कू क्या कर रही तुम्हें? उन्हें कापड़िया का फोन करो ना। तेरा नया घर? अरे अरे आओ भाभी आओ, वो ऊपर 5 बेडरूम है। और नंदिनी, तेरा झूला भी वहां पे, डाइनिंग एरिया और किचन, और आगे चल के उस तरफ हॉल। क्या हुआ? और मां, खास तेरे लिए तेरा पूजा घर। खुश? बुक्का रेड्डी बेल पे बाहर निकल गया। सरजी की पहचान की मदद से बुक्का रेड्डी जेल से निकल के अंडरग्राउंड हो गया। शहर के बीचों बीच एक रिहायशी इलाके महेश्वरी कॉम्प्लेक्स के फ्लैट नंबर 102 में अपना बिल बना के रवि को मारने की तैयारी में लग गया। इससे प्रताप के लोगों में खलबली मच गई। ऐसे असहाय हालातों में प्रताप ने बुक्का का ठिकाना पता करने के लिए 4 रास्ते अपनाए। साम, दाम, दंड, भेद और बुक्का तक पहुंच गया। प्रताप की एक्शन टीम एक गिद्ध की तरह उस फ्लैट के इर्द गिर्द मंडराने लगी। और जब बुक्का का एक नौकर सब्जी खरीदने बाहर निकला, तो प्रताप ने उसे किडनैप करवा लिया। बुक्का महीने का कितना देता है तुझे? सर, वो 500 रुपये।
मैं 5 लाख दूंगा। खेल अब शुरू हुआ जब प्रताप बुक्का की सारी जानकारी लेके शिवाजी के घर पहुंचा और मामले पे अपना नजरिया आराम से बताया। इस पे शिवाजी का आदेश था, बाबू इलेक्ट्रिशियन, बाबू प्रताप, तेरे लिए एक तोहफा है। क्या साहब? बुक्का। उसे लड़ाने के लिए मैंने एक टीम बनाई, उस टीम को तू लीड करेगा। खाना लगा दिया है। बुक्का को मारने की मेरे और बहुत से लोगों के पास वजह है, लेकिन तेरी कहानी सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उससे बदले का सबसे बड़ा हकदार तू है। असर टैंक की महेश्वरी कॉम्प्लेक्स में बुक्का का फ्लैट है, तुम लोग वहां लकड़ी के ब्रिज से पहुंचो। बिल्डिंग के पीछे ही एक पुलिस स्टेशन है, इसलिए यह काम तेजी से करना होगा, लेकिन ध्यान से, यह इलाका आबादी भरा है, ध्यान रहे कि किसी भी मासूम को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्डिंग की फ्रंट एंट्री पर ही लाल शर्ट पहना हुआ पेपर पढ़ता हुआ एक आदमी तुम्हारा इंतजार करेगा, तुम लोग उसके पीछे और इसी के इशारे पर अंदर जाओ, फ्लैट नंबर 102। और एक जरूरी बात, दरवाजा खोलने वाला लड़का अपना है।
मर गया, मेरी कोई औकात नहीं तुम्हारे सामने। मैं जानता हूं तुमने जो किया तुम्हारे पास वजह थी। मैं कुछ नहीं करूंगा, अपने घर में पड़ा रहूंगा। नहीं चाहिए जनता, नहीं चाहिए जनार्दन। खा पी के एक ड्रिंक लेके कोने में पड़ा रहूंगा, किसी से कुछ नहीं। प्रताप अन्ना मुझे माफ कर दो, प्रताप अन्ना, प्रताप अन्ना मुझे छोड़ो, अरे छोड़ दो। ये रक्त चरित्र न शत्रु न मित्र, ये शत्रु न जय प्रतिशोध का चित्र, ये रक्त चरित्र। रेड्डी की दिन दहाड़े दिल दहला देने वाली हत्या के बाद पूरे शहर में तनाव फैल गया। हालांकि सभी को पता था कि इस हत्या के पीछे कौन है, लेकिन प्रताप रवि का नाम लेने से हर कोई डर रहा था, सिवाय शिवाजी की पार्टी के कुछ नाखुश लोग। दिन दहाड़े खुलेआम एक रिहायशी इलाके में बुक्का और उसके आदमियों को कटवा डाला और खुद विधानसभा में बैठा रहा। प्रताप डेमोक्रेसी के ऊपर थूक रहा है, वो एक खूनी है और आप एक खूनी का सपोर्ट कर रहे हैं। सर आओ प्रताप, आओ आओ बैठ। एक घंटा से लोग मेरा सर खा रहे थे, कहते थे प्रताप को पार्टी से निकाल दो। हाँ तो क्या बात कर रहे थे आप लोग? प्रताप डेमोक्रेसी के ऊपर थूक रहा, कहां थे आप लोग जब डेमोक्रेसी प्रताप के ऊपर थूक रहा था? प्रताप खूनी है। हाँ है खूनी। अरे भगवान राम ने और कृष्ण ने भी लोगों की भलाई के लिए खून किया था। बातें करता है, पहले सोचो किसका खून किया, काय को खून किया, किसी महात्मा को मारा क्या? बुक्का रेड्डी एक राक्षस है और ये प्रताप मेरा राम। टॉपिक इज ओवर। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी राज का सबसे पहला और बड़ा जरूरत है। पुलिस वगैरह है इस काम के लिए, लेकिन पुलिस अपना तमाम जोर लगाने के बावजूद किसी भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर पे कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर सकता। आज मैं सरकार नहीं सुपर सरकार है। मैं शिवाजी राव चीफ मिनिस्टर घोषणा करता है कि आज से हमारे राज में हुंडा राज नहीं चलेगा, और हुंडा राज का खात्मा वही कर सकता है जो स्टेट का सबसे बड़ा हुंडा है, और हुंडा तुम है। तुम। Topic is over. ओमकार चाचा, शहर के सब बड़े गुंडों और गैंग वालों को कल हमारे घर पर बुलाइए लंच के लिए। बेगमपेट नरसिंह, मेहदीपट्टनम पशुपति, पंजागुट्टा राजू, किंग कोटी श्रीशैलम यादव, सनत नगर लड्डू कृष्ण, बलकमपेट मल्लेश, कोत्ता वासु, सत्तार खान, अमीरपेट पुरुषोत्तम, शमशाबाद मंजले, क्रॉस रोड गोला रवि, कह देना सबको प्रताप रवि ने खुद बुलाया।
नरसिम्हा देवा रेड्डी की मौत के बाद से ही प्रताप रवि के नाम का प्रभाव ऐसा था कि शहर का आम आदमी तो क्या, नामचीन गुंडे भी उसके नाम से डरते थे। इसी वजह से उसके खाने के बुलावे पे वो सिर्फ चौंके ही नहीं बल्कि खुश भी बहुत थे। पर उन्हें ये भी शक था कि प्रताप रवि उन्हें खाने के अलावा शायद और भी कुछ खिलाने वाला। मेरे बुलाते ही आप लोगों का यहाँ फौरन चले आने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे रायलसीमा स्पेशल रावी संगठी और नाटकोड़ी पुलिस पसंद आई। ये सब माँ ने बनाया। लोग कहते हैं कि तकरीबन 100 साल पहले यहां कुछ नहीं था, ये पूरा इलाका एक जंगल था। अलग अलग किस्म के जानवर जैसे तेंदुए, चीते, गिद्ध, सियार बिल्कुल फ्री घूमा करते थे। धीरे धीरे समय के साथ यहां शहर बसा, आबादी बढ़ी और जंगल खत्म हो गया। जंगल तो खत्म हो गया लेकिन उसके कुछ जानवर यहां रह गए इंसान की शक्ल में। अपने अपने इलाकों में अपना जुर्म और अपना हुक्म आज भी चला रहे हैं। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है ना? आज से अब से तुम लोगों की लूटपाट, गैंगबाजी, खून खराबा, जमीन कब्जा सब बंद हो जाना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर है। जनता एक ऐसी जात है जो कभी भी किसी की वफादार नहीं होती, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या फिर कुछ भी। और इस बात की प्रताप को राजनीति में आने से पहले ही समझ थी और इसीलिए उसने अपने कई तरीके अपनाए। पुलिस स्टेशन में लिखी जाने वाली एफआईआर प्रताप के घर के दरवाजे पे एक गुहार बन गई। कोर्ट कचहरी में सालों खिंचने वाले केस एक चाय की प्याली पे सुलझाने लगा रवि। बिना चेहरे वाली सरकार और अंधे कानून से तंग आए लोगों ने प्रताप के नाम को अपना सहारा बनाया। जैसा जैसा प्रताप चाहता था वैसा वैसा होता गया। ऐसा नहीं था कि सभी उसके साथ थे, जो नहीं था वो नहीं रहा। पैसा, जलवा और ताकत ने प्रताप रवि को एक आदमी से एक सिस्टम बना दिया। लेकिन प्रताप की जिंदगी हमेशा ऐसे ही ताकत भरे रास्ते से गुजरने वाली नहीं थी। आगे चलकर उसके रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा आया। उस कहानी का विस्तार रक्त चरित्र के दूसरे अध्याय में। मेरी माँ का शरीर को दो टुकड़ों में देखा मैं। मेरी बहन पूरी जली हुई थी।
अपने भाई को देख नहीं पाया, वो पूरा बिखर गया था। जिस परिवार को बचाने के लिए मैं अपने बदले को भूल गया, उसी परिवार को उसने खत्म कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ बदला है। वो मुझे मारना चाहता है और मुझे उसे मारना पड़ेगा। पीट पीट ढोल पीट हाथ पांव मार, पहले उसे हराना है फिर मारना है। हर कोई जो उसकी मदद करे या मदद करने की सोचे भी मारने से नहीं, उसे मारे बिना मरने से डरता हूँ। अब क्या? अतीत को सिर्फ याद रखो, वर्तमान को परखो और भविष्य का चिंता करो। चढ़ता राज तिलक, कहीं जल्दी मृत्यु से जिवे।